धनबाद के झारखंड मैदान में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल का जो थीम है वो है बाली। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो अभी मैं आया हुआ है झारखंड मैदान धनबाद में, जो कि यहाँ पर इस साल क्या थीम बनने वाला पंडाल में वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ब्लॉग में बने रहना, और हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो आप लोग को ब्लॉग देखना चाहिए। और क्या यहाँ पर इस बार क्या बनने वाला, क्या बजट है वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा मेन गेट, और यहाँ पर हम लोग को फ्रंट में कुछ इस तरह का पंडाल देखने को मिल रहा है। हाइट की बात करें तो लगभग 50-60 फीट हाइट है इसका पंडाल का। और क्या थीम रहने वाली है मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ये रहा फ्रंट का, साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जैसे कि झूला का सारा तैयारी हो चुकी है, सब कुछ आके यहाँ पर आ गया है, अब सिर्फ लग जाएगा तो हो जाएगा। जगह कम होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा झूला यहाँ पर लगता नहीं है गाइस, एंड छोटा मोटा झूला ही यहाँ पर लगता है। तारा मछली, ब्रेक डांसर, बच्चे लोग का झूला हो गया वो सारा, और इसी में हम लोग को फिर काफ़ी सारा स्टॉल भी देखने को मिलता है। ये रहा साइड से पंडाल गाइस, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है हम लोग को, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस इस बार पंडाल यहाँ पर। सो आप लोग देखिए, एंड गाइस अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर में किस तरह से पंडाल अंदर में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब मैं बता रहा हूँ। धनबाद के झारखंड मैदान में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल का जो थीम है वो है बाली विष्णु मंदिर, जो कि इंडोनेशिया का काफ़ी फेमस मंदिर है। और इस थीम को लेकर यहाँ पर इस साल बनाया जा रहा है, काफ़ी भव्य पंडाल बन रहा है। सो जितने भी धनबाद वासियों हैं आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, और काफ़ी अच्छा काफ़ी भव्य पंडाल बनने वाला है। जैसा कि पिछले बार भी काफ़ी अच्छा एक पंडाल बनाया गया था, जो कि वीडियो काफ़ी अच्छा चला आप लोग का सपोर्ट की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जितना भी लोग यहाँ आइए, देखिए काफ़ी अच्छा पंडाल बना रहा है। और इसका बजट लगभग नहीं भी तो 20-25 लाख तक बजट जा रहा है पंडाल बनाने में। एंड आपको ये स्टेज देखने को मिलेगा, एक सीढ़ी का स्टेज बनाया जा रहा है, जो कि आगे से जो लोग आएंगे वहां से स्टेप बाय सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर ये सीढ़ी से फिर अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो पंडाल जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका अंदर का पंडाल है, ठीक है। अंदर में अभी भी काम चल रहा है, सारे चीज़ सारे मटेरियल लग रहे हैं, ठीक है। वाइट कलर का बॉर्डर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, जितना लोग पंडाल बनाने में हेल्प कर रहे हैं सारे। और पंडाल अभी बहुत काम बचा हुआ है, हालांकि बोला जाए तो लगभग 50% काम हो चुके हैं, अब खाली फिनिशिंग देना है। एंड ये रहा स्टेज जहाँ पर माँ दुर्गा जी बैठेंगे, जो कि सीधा स्टेज है ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, और इधर का जो एग्जिट गेट होगा ये होगा बॉयज़ लोग का, ये गर्ल्स लोग का, मतलब लेडीज़ जेंट्स का एग्जिट गेट होगा। ऊपर का बात करते हैं तो ऊपर में देखने को मिल रहा है हम लोग को काफ़ी सुंदर से एक टेक्सचर एंड काफ़ी सुंदर एक पंडाल यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलेगा, जो कि हम लोग का वेट है कि पंडाल जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। एंड जैसा कि आप लोगों को मैं बताया और दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा पंडाल बनने वाला है इस बार। तो यहाँ पर अभी सारा चीज़ काम, अभी सारा चीज़ हो रहा है, काम पेंडिंग है अभी। सो इस चीज़ भी बचा हुआ है, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है गाइस। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्योंकि मैं अभी धनबाद का जितना भी पंडाल होता है वो सारे मैं जाके मैं विजिट करके सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊँगा, कहाँ कौन सा पंडाल बनने वाला, क्या थीम है, क्या कितना बजट कितना लागत है, सब मैं दिखाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे वीडियो आप तब तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। सो चलिए अभी तो और मैं दिखाता हूँ आपको, एंड आगे चलता हूँ और लेके आगे आप लोगों को। एंड गाइस ये जेंट्स का एग्जिट गेट है, जो कि हमेशा से राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है।
एंड इधर में हम लोग को झूला देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ब्रेक डांसर का अभी झूला लग रहा है, पूरा तैयार हुआ नहीं है, अभी टाइम है, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। एंड बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी में थोड़ा सा पानी जम जाता है, जो कोई बात नहीं, उसको भी लास्ट में देखा ही जाएगा। एंड ये रहा स्टेज गाइस, जहाँ पर माँ दुर्गा जी बैठेंगे, इस जगह पर काफ़ी सुंदर लाइटिंग होता है, यहाँ पर काफ़ी भव्य पंडाल भी बनता है। और ये गेट जो आप लोग दिख रहा है, ये लेडीज़ लोग का एग्जिट गेट है, जो कि यहाँ से जैसे आएंगे, यहाँ से दर्शन करते हुए उधर निकल जाएंगे, इधर से जेंट्स लोग का निकलने का। वैसे अभी काम काफ़ी बचा हुआ है। इस पंडाल में बनाने में कितना कम से कम लागत आया? 19 से 20 लाख रुपये। अच्छा, 19 से 20 लाख रुपये आएगा इस पंडाल में लागत, बजट तय हुआ है, अभी बैठा हुआ है। आप लोग इनका भी चैनल को विजिट कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका यूट्यूब चैनल का? एसके राज ब्लॉग। एसके राज ब्लॉग है, ठीक है, आप इनके भी चैनल पर विजिट कीजिएगा, क्योंकि झारखंड का जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर इनके चैनल के थ्रू, आप इनके वीडियो के थ्रू जाएगा। साथ में हर्ष आया आज, बहुत दिन बाद ब्लॉग में, एक साल बाद ये भी दिखा है। हाँ। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।